पतंगे नीचे का नजारा कितना अच्छा है। हाँ अभी तो वो रस्सियाँ ही सिल जा रहे हैं। अरे छाया उधर जा रही है। चल रही रिकॉर्डिंग। हाँ इस वाली वीडियो पे क्लिक किया है इसका मतलब आपको भी पतंग उड़ाना काफी पसंद है। तो गाइज यार मुझे भी सच में पतंग उड़ाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन गाइज यार कब तक अपन लोग जो है ये नॉर्मल सी सिंपल सी पतंग उड़ाएंगे। अब बड़े हो गए हैं यार, कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ यूनिक ट्राई करते हैं, कुछ अपने लेवल का ट्राई करते हैं। तो गाइज यार पेश है आपके सामने कुछ हटके अपने लेवल की पतंग। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये सच में काफी बड़ी है। इसकी जो ऊंचाई है वो है करीब 10 फीट और इसकी जो चौड़ाई है वो भी है करीब करीब 10 फीट। और गाइस यार ये जो पतंग है ना पूरी तरीके से अपने लेवल को मैच करती है। और गाइस यार ये जो चीज है ना ये पतंग के साथ साथ एक ग्लाइडर है, यानी कि ये ग्लाइडर और काइट दोनों का मिक्स है। तो गाइस जब आप इसे उड़ाएंगे मैदान के अंदर तो बाकी की जितनी भी पतंगे वहां पे उड़ रही होगी सब शर्मा जाएगी और जितने भी लोग हैं बस इसी चीज को देखेंगे। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसे किस तरीके से बनाया। तो गाइस यार इस चीज को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले पीवीसी के जो पाइप होते हैं जो कि लाइट फिटिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं उनका इस्तेमाल किया, क्योंकि ये हल्के होते हैं और लचीले होते हैं। तो हमने क्या किया, आप देख सकते हैं कि इस तरीके का एक फ्रेम बनाया। इस फ्रेम के अंदर इस साइड के जो पाइप हैं इनकी लंबाई है 7 फीट और बीच का जो पाइप है इसकी लंबाई है 10 फीट और ऊपर के दोनों पाइप को हमने 90 डिग्री के एंगल पे जोड़ दिया और फिर बीच में से इसकी सेंटर लाइन बनाते हुए ये वाला पाइप जोड़ा और इससे थोड़ा सा नीचे हमने ये वाला पाइप लगा दिया और इसकी जो लंबाई है वो है 4 फीट यानी कि 4 फीट। और उसके बाद में हमने एक धागे की मदद से इसे इस तरीके से मोड़ दिया किसी धनुष की तरह, क्योंकि यही चीज़ हमारे पतंग को अच्छी लिफ्ट देगी। और फिर इसके बाद हमने इस फ्रेम को इस पॉलीथीन से कवर कर दिया जो कि बाजार के अंदर आसानी से मिल जाती है और इसकी लंबाई चौड़ाई है 20x20 यानी कि 20 फुट लंबी 20 फुट चौड़ी जो कि हमारे इस फ्रेम पर आसानी से फिट बैठती है। और उसके बाद हमने हमारी पतंग के ऊपर ठीक उसी तरीके से धागा बांध दिया जिस तरीके से अपन नॉर्मल पतंग के ऊपर बांधते हैं। लेकिन गाइस यार ये सारी चीज़ें अभी तक थ्योरेटिकली है, क्योंकि हम लोग जो है ना कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले थ्योरेटिकली उसे देखते हैं फिर उसके बाद उसे बनाते हैं और जब उसका प्रैक्टिकल और उसकी टेस्टिंग करने की बारी आती है तो उसे हम आपके साथ में ट्राई करते हैं। तो चलो फटाफट से इस पतंग को किसी अच्छे से ग्राउंड के अंदर लेके चलते हैं और फिर इसे उड़ा के देखते हैं कि ये जो चीज़ें किस तरीके से उड़ती है, कितनी अच्छी उड़ती है, कितनी बुरी उड़ती है, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो चलो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारी पतंग जो है उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इससे यहाँ पर हवा ज़्यादा तेज चल रही है इसीलिए हमें इसके पीछे पूंछ भी लगानी होगी। पूंछ बांधो इसके पीछे। वो मैं उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई। देखा गाइस आपने। और गाइस इसको उड़ाते वक्त हमें जो है ग्लव्स भी काफ़ी मोटे यूज़ में लेने होंगे, देखो कुछ इस तरीके के, वरना हाथों वगैरह में कट लग सकते हैं। और गाइस यार एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, पकड़ के रखना, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसी पतंग को बनाएं या फिर उसे उड़ाएं तो प्लीज़ यार हाथ जोड़ के कहता हूँ छतों वगैरह पे इस चीज़ को ट्राई मत करना। छत वगैरह पे ये चीज़ काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। ऐसे अगर कोई पतंग उड़ाए काफ़ी बड़ी तो उसे बड़े सारे ग्राउंड के अंदर उड़ाए, छतों वगैरह पे प्लीज़ ट्राई मत करना, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। जाओ 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 पीछे जाओ। हाँ एक दो तीन उड़ा। ओ देखा गाइस आपने, इसीलिए मैं ग्लव्स पहन रहा था, बहुत ज़्यादा ड्रैग पड़ता हवा का इस पर। ये ओ बे धागा टूट गया। ओ नो इसमें फंस गई। ओह नो ये इसके अंदर फंस गई यार, लोहे के वायर में फंस गई अपनी पतंग। धीरे धीरे
हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। इधर आ जाओ जल्दी से। मेरे को दे पीछे घुमा ऐसे, धागा काट दे, इसका धागा काट दे। ऑलराइट गाइस, तो यार हमें जो है इससे बड़े धागे की ज़रूरत पड़ेगी इस पतंग को उड़ाने के लिए। ये वाला धागा तो इसको नहीं उड़ा सकता। और गाइस किस्मत अच्छी थी कि हमारी पतंग जो उतनी बुरी तरीके से ना फटी। आप देख सकते हैं कि वो तार है और तारों के अंदर पतंग का क्या हाल हो सकता था। बाकी आप देख सकते हैं मेरी यहाँ से जो फिंगर है उसकी स्किन जल गई है, देखो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था सेफ्टी तो हर काम में ज़रूरी होती है यार। बड़ा धागा लेके आओ यार, बड़े धागे से उड़ाएंगे इसको। इस धागे के बस की बात नहीं इसको उड़ाना। ये हो गई इसकी मरम्मत। ले आ रस्सी ले आ। ऑलराइट गाइस, इस बार जो है इस वाली रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। ये तो नहीं टूटेगी लेकिन ये काफ़ी मजबूत है। इधर भी ये थोड़ा सा और रिपेयर करना पड़ेगा यार, पिंचर हो गया हमारे पतंग में। बाकी गाइस यार ये बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गाइड है। 1 2 3 उड़ा। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पतंग है एक ही बारी में उड़ान भर चुकी है। ये खास बात यह है कि जब आप या फिर हम इसे उड़ाएंगे आसपास कोई भी पतंग इसके नहीं टिक पाएगी, इसे कोई नहीं काट सकता। अगर कोई काटने भी आता है इस पतंग को तो उलझ के रह जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा फोर्स इसका, देखो मेरा वजन इसके ऊपर है यार, मेरे को खींच लगा इसने, मैं कितना टेढ़ा हो चुका हूं। देखो यार, रस्सी देखो कितनी भारी है। इसे कहते हैं यार पतंग, ऐसी पतंग को उड़ाने में आता है मजा, तो देखो है कि नहीं। ऑलराइट गाइस, यार आई होप ये चीज़ आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। और गाइस ये पतंग है ना, एक बार उड़ गई तो उड़ गई, नीचे आने का नाम नहीं लेगी ये। और इसे नीचे उतारने के लिए मेरे को एक और हाथ के अंदर ऐसा ग्लव्स पहनना पड़ेगा। तो आई होप यार ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस घंटी बटन को दबा दीजिए। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।